आज हम शुरू करते हैं आदमियों का गुणन। ये आदि श्रृंखला का अपना तीसरा एपिसोड आदमियों का गुणन। अब अंगों का गुणन, जैसे कल हमने देखा था योग घटाना उसकी समानता, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आदमियों का गुणन। किसको कैसे गुणा किया जाता है? आदमियों के गुणन में हमारे पास एक आवश्यक शर्त होती है कि बिना उस शर्त को पूरा किए दो आदमी कभी भी गुणनफल नहीं कर सकते। जैसे आवश्यक शर्त यह है कि जब दो आदमी गुना कर रहे हों तो पूर्व आदमियों के स्तंभों की संख्या द्वितीय या उत्तर आदमियों के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे यदि एक ही ऑर्डर है m गुना n, पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n, तो दूसरे आदमियों में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? n। तो हमारा दूसरा आदमी कितने का है? n गुना l का। अर्थात m गुना n मल्टीप्लाई करेगा n गुना l में, तो जो उत्तर आएगा हमारे पास इन दोनों के गुणन से जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि क्या होगी? m गुना l। देख रहे हैं आप, m गुना l मतलब ये n और ये n क्या होगा, एक दूसरे के साथ सबट्रैक्ट होगा और m n n into l बन गया। फॉर एग्जांपल यदि a का कोटि 3 गुना 2 है और b की कोटि 2 गुना 3 है, तो हल जो है वो क्या होगा? 3 गुना 3 का। इसके अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी। 6 होने के बावजूद भी इसकी अवयवों की संख्या 9 आएगी। परंतु जैसे इस केस में a की कोटि 3 गुना 3 है, b की कोटि 3 गुना 2 है, तो a भी तो हो जाएगा, इसके कालम की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। परंतु यदि हम b में a का गुणा करने जाए तो इसके पंक्ति कालम की संख्या है, स्तंभों की संख्या 2 है, जबकि इसकी पंक्तियों की संख्या 3 है, इसलिए b का a के साथ गुणा संभव नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज आवयवों के गुणनफल की आवश्यक शर्त क्या है? पूर्व आवयवों के स्तंभों की संख्या उत्तर आवयवों के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अभी गुणा किस प्रकार से करते हैं? ऑफ द मल्टीप्लाई, तो उसका छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x2 की मैट्रिक्स है। जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये दोनों पंक्तियों की स्तंभों की संख्या 3, पंक्तियों की संख्या 3, तो आंसर में क्या आएगा? 3x2। यदि पहली इसका इसमें गुणा होगा तो हमारे पास आंसर किसके रूप में आएगा? सी के रूप में। ये ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, गुणनफल सी मैट्रिक्स। गुणा कैसे हो रहा है देखो, आपके सामने दिखा है कि पहले आवयव के रो दूसरे आवयव की पंक्ति के साथ गुणा करेगी। जैसे हमको C11 लाना है पहला, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो A11, A12, A13। जब हम इसको ध्यान से देखें तो एक से कैंसिल होकर 11 आ रहा है, दो से दो कैंसिल होकर 11 आ रहा है, तीन से तीन कैंसिल होकर 11 आ रहा है। अब यदि हमने C21 मतलब कौन सा दूसरा एलिमेंट लेना है, तो हम इसकी दूसरी रो इसका पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। कहने का मतलब थोड़ा सा शुरू में हेक्टिक होता है, परंतु यदि हम उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, पहली रो पहला कॉलम 1-1, दूसरी रो पहला कॉलम 2-1, तीसरी रो पहला कॉलम 3-1, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 1-2, पहली रो दूसरा कॉलम 2-2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2-2, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3-2, देखो सब बन जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। हमने एक एग्जांपल के लिए भी लिया है, जैसे ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x2 की मैट्रिक्स है, निश्चित है इसका हल होगा, और जो हल होगा जो गुणा होगा उसका उत्तर किस कोटि में आएगा? 2x2 में। पहली रो 1x, दूसरी रो 2x3 2x2y प्लस 3x3z, तीनों को जोड़ दिया गया। दूसरी रो पहला कॉलम 2x 4y और 6z। कुल मिला के यदि हम इसको जितना आसानी से करने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही आसानी से हल हो जाएगा। यदि इसको हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे या ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हम कंफ्यूज आएंगे, कह रहे हैं इसका गुणा इसमें करूँ कि इसका गुणा इसमें करूँ। हाँ कुछ नहीं, आप एक रो को लो या एक कॉलम को लो और बोलते जाओ मन में, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, क्या होगा? आपके वैल्यूज आती जाएगी। इस प्रकार से ये क्या होता है? आवयवों का गुणन। अब आवयवों का गुणन यदि करें और आवयवों के गुणधर्म की बात करें तो क्रम विनिमय का पालन जरूरी नहीं है कि वो करेगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दो आदमी सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। फॉर्चुनेटली हो सकता है कि भाई एक कॉलम या दो तीन बार दोनों यदि वर्ग आदमी हो तो ए बी और बी ए तो संभव है, परंतु दोनों बराबर होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम भी तभी पालन करेगा जबकि वो इस आवश्यक शर्त को पूरा करे कि दो आदमी का गुणनफल एन टू एल आएगा, इसमें तीसरे आदमी का गुणा करेंगे तो उसका भी कोटि इसके समान होनी चाहिए। इसलिए इसके गुणधर्मों में इसकी आवश्यक शर्त का पालन होना जरूरी है और अवयवों का इस प्रकार से होना जरूरी है कि वो आगे से गुणा आगे या पीछे गुणा करने पर समान आ जाए। ठीक है, जैसे अब आगे बढ़े हम तो
अगला आएगा भागफल। जब अपने योग कर लिया, घटाव कर लिया, तो गुणा कर लिया, तो भाग भी देना पड़ेगा कि एक आयु का दूसरे आयु में भाग कैसे होगा भाई। तो एक आयु का दूसरे आयु में भाग कैसे होगा, तो भाग करने के लिए जैसे सीधी सी बात है कि यदि हम चार में छह का भाग देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, चार गुणित एक बटा छह, चार में छह का भाग। चार क्या है, चार क्या है, संख्या। छह क्या है, संख्या, परंतु एक बटे छह क्या है, छह का व्युत्क्रम। उसी प्रकार से यदि हम जब चार में छह का भाग किया तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आपको चाहिए पड़ेगा। तो यदि हम किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दे दें, मतलब चार में चार का भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा, एक, सही है ना। तो यदि हमको किसी आयु ए का उसी आयु में भाग देना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का व्यू आ जाएगा, ठीक है ना। किसी आयु में उसी आयु का भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का व्यू आ जाएगा। अर्थात हम इसको कैसा लिख सकते हैं, a into a inverse equal to i, मतलब आव्यूह में उसके व्युत्क्रम पर गुणा करने पर हमें कौन सा आव्यूह प्राप्त होता है, एकक आव्यूह प्राप्त होता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, किसी आव्यूह का प्रतिलोम। प्रतिलोम निकालना मतलब क्या हुआ, सीधा सा गणित है, आप बोलेंगे सर भाग से प्रतिलोम पर पहुंच गए। तो भाई प्रतिलोम निकालने के पीछे ये लॉजिक है कि यदि हमको किसी आव्यूह में अन्य आव्यूह का भाग देना है तो हमको क्या करना होगा, कि ए आव्यूह में यदि बी आव्यूह का भाग देना है तो हमें क्या करना होगा, ए के अंदर बी के प्रतिलोम का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हमको किसका कॉन्सेप्ट लेना है, प्रतिलोम आव्यूह का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम। अब प्रतिलोम ज्ञात करना है तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो विधियां हैं। एक विधि तो सीधे सीधे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा और दूसरी विधि है सूत्र के द्वारा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है, तो रूपांतरण कैसे होता है कि आव्यूह का एक गुण है, क्या गुण है, कि हम एक इंटरनली अंदर ही अंदर आव्यूह में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं, एक रो में से दूसरे रो को घटा सकते हैं, जिससे कि उस आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन, उसके सारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम उस चीज को, उसको क्या कहते हैं, रूपांतरण। जैसे कि अपने C1 माइनस C2 किया, C2 माइनस 2 अपॉन 3 C किया, जब भी आगे पढ़ेंगे तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किया जा सकता है। परंतु प्रतिलोम पढ़ने के पहले हम कुछ और अन्य टर्म्स के ऊपर, पदों के ऊपर जिससे संबंधित है उस पर विचार करते हैं। उसके बाद आता है पहला परिवर्त, परिवर्त इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। जैसे कोई आव्यूह ए है, एक दो तीन चार पांच छ, इसकी कोटि है 2×3, तो परिवर्त का मतलब क्या होगा, एक दो तीन चार पांच छ, कोटि क्या हो गई, 3×2। तो परिवर्त की परिभाषा, यदि किसी आव्यूह के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो उसे परिवर्त कहते हैं। ये परिवर्त, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे हम हमारा कॉन्सेप्ट आएगा किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का और सूत्र का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक आव्यूह का परिवर्त भी हमें ढूंढना होता है, ठीक है। ये हमारे किस्सा खत्म हुआ, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, सहखंडज। क्या निकालना होता है, सहखंडज। सहखंडज क्या होता है, सहखंडज होता है उसके लिए हमें सुपेरे निकालने होते हैं, सहखंड। सहखंड क्या होते हैं, जैसे ये अवयव है, इसका सहखंड निकालना है, तो इसका सहखंड क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़कर अन्य सभी अवयव, वो उसके सहखंड कहलाते हैं, ठीक है। सहखंड, सहखंडज आ गई। इसके ऊपर हम जो डिस्कशन है, हमें जो अगला एपिसोड आएगा हम उसमें करेंगे। हैव अ गुड डे।